Let us now discuss field of view. Okay, what is field of view? It is the space from which the observer can see the image of the object. Okay? So suppose there is a plane mirror. Right? And there is an object somewhere here. Okay. So you cannot see the image of this object from everywhere right? you can see the image of this observer uh, object from only particular places okay? and this thing depends on where the object is placed how large the mirror is okay and what is the distance of the object from the mirror okay so if the rays are coming from this object o,

तो आपको पता है भाई कि परपेंडिकुलरली बैकवर्ड अगर आप चले जाओ सेम डिस्टेंस पर ठीक है मिर से तो यहां पे हमको मिल जाती है इमेज तो यहां पे बन सकती है भाई Similarly, इधर अगर एक रे आएगी उसके उसके लिए भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है यहां पे अगर एक रे आएगी ऐसे कोई रे आती है इस लाइन के अलोंग तो भी रिफ्लेक्शन पॉसिबल है ओके okay? और जो लास्ट रे होगी जो रिफ्लेक्ट हो सकती है वो उस कॉर्नर से हो सकती है उस एंड से हो सकती है ठीक है इसके लिए भी इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल है बट इसके बाहर अगर कोई रे और जाती है तो वो भी इंसिडेंट नहीं हो पाएगी मिरर पे ठीक है बिकॉज इट विल बी आउट फ्रॉम द एंड्स ऑफ द मिरर ठीक तो आपके लिए एक विंडो बन गई मिरर क्या बन जाता है एक वर्चुअल विंडो बन जाता है जिसके अंदर से आप एक इमेज को देख सकते हो ठीक है सपोज करो बेटा ये इमेज है हमारी सो द इमेज कैन बी सीन फ्रॉम दिस स्पेस ओनली तो इफ एन ऑब्जर्वर हिज प्रेजेंट हियर लाइक दिस ठीक है उसकी आंखें यहां पे है सपोज करो बेटा ठीक है सो ही कैन व्यू द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस स्पेस ओनली तो ये जो स्पेस हो जाता है हमारे लिए इसको मैं अगर शेड कर दू ठीक है तो दिस स्पेस कैन बी कॉल्ड एज फील्ड यहां से एक्सटेंड होकर के कितनी भी दूर आप जा सकते हो यहां से आप देख सकते हो बट अगर आप यहां पे कोई ऑब्जर्वर रख देते हैं सपोज करिए ओके इफ देर इज एन ऑब्जर्वर हियर तो उसके लिए कोई भी रे यहां पे उसको नहीं मिलेगी ही कैनॉट गेट एनी रिफ्लेक्टेड रे इन टू हिज आईज एंड सो ही कैनॉट सी द इमेज इधर इधर कहीं पे भी अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसके लिए उसको इमेज देखना इस ऑब्जेक्ट की इम्पॉसिबल हो जाएगा ठीक है बट इन दिस स्पेस ही कैन व्यू द इमेज सो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग इस पोर्शन को हम बोल देते हैं फील्ड ऑफ व्यू ठीक है आई होप इट इज क्लियर तो मैं बता देता हूँ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ प्लेन मिरर डिपेंड्स ऑन देखिए यहां पे कौन कौन सी बातों पर फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड करेगा वो क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है फ्रॉम द प्लेन मिरर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है साइज ऑफ मिरर पे सपोज करो बेटा एकदम छोटा सा एक मिरर है हमारे पास ओके लाइक दिस एंड यू हैव एन ऑब्जर्वर सॉरी ऑब्जेक्ट हियर ओ तो इसके लिए जो फर्स्ट रे रिफ्लेक्ट हो सकती है वो यहां से यहां हो जाएगी ठीक है ये इमेज बन जाएगी ऑब्वियसली और एक और मैं रे जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के लिए पॉसिबल है वो यहां पे पॉसिबल है तो इन दोनों रेस को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो ये इमेज बन सकती है अब देखोगे आपके मैंने बोला भाई ये फील्ड ऑफ व्यू होना चाहिए और ये सही बात है अगर कोई मिड पॉइंट पे भी रे आती है तो वो भी इसी स्पेस के अंदर ही आएगी कोई थर्ड रे आती है वो भी इसी स्पेस के अंदर ही आएगी कोई यहां से रिफ्लेक्ट होती है वो भी यहीं आएगी मतलब आपको जो सारी रेज मिलने वाली हैं वो इस ही पोर्शन के बीच में मिलेगी सो दिस पोर्शन वे रेज रिफ्लेक्टेड रेज कैन कम ठीक है इज लिमिटेड और उसी स्पेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा फील्ड ऑफ व्यू ठीक है वो डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है ओके अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा यहाँ होता तो फील्ड ऑफ व्यू हमारा चेंज हो जाता थोड़ा और दूर होता तो फील्ड ऑफ व्यू फिर चेंज हो जाता है इसको दूर कर दू तो भी फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाता है तो आपको क्या करना है फील्ड ऑफ व्यू ढूंढने के लिए यू हैव टू गेट अ रिफ्लेक्शन एट द फर्स्ट एंड एंड द लास्ट एंड उससे सारी वेज रेज निकाल लीजिए आप लोग यू यू विल गेट एन आइडिया कि वहां पे फील्ड ऑफ व्यू है यहां पे फील्ड ऑफ व्यू इस स्पेस में आ जाएगा इसके अंदर जितनी दूर भी आप चले जाओ इस एरिया में अगर कहीं भी आप ऑब्जर्वर को प्लेस करते हो तो विल बी एबल टू सी ऑब्जर्वर तो आप इसको एक इमेजिन कर लो कि एक विंडो है ये ठीक है ये एक क्या हो गई वर्चुअल विंडो हो गई एक विंडो की तरह एक्ट करता है ठीक है इसके अंदर से ही आप उस इमेज को देख सकते हैं ओके मिरर एक्स लाइक अ विंडो इन विच यू कैन सी द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जर्वर ठीक है आई होप इट इज क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर ठीक है कभी कभी हमें पोजिशन ऑफ इमेज पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट और उनके बीच में रिलेशन चाहिए होती है तो लेटर सपोज कि एक प्लेन मिरर है हमारे पास इट इज वर्टिकली प्लेस्ड लाइक दिस ठीक है अब मैंने सोचा कि यहां एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं ओ और उसकी डिस्टेंस सपोज करो एक्स ओ है ठीक है सिमिलरली इसकी जो इमेज होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन यू नो इट इज जस्ट बिहाइंड द मिरर एट सेम डिस्टेंस वैसे तो ठीक है बट इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल देता हूं एक्स इमेज बोल देता हूं ठीक है एक्स आई ऑल्सो दट द पोजिशन ऑफ मिररर इज समेयर एक्स एम ठीक है ये हमारा मान लीजिए X axis है ठीक है तो मिरर से अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड में है और अगर मिरर से इमेज को देखोगे तो वो किधर है उधर की तरफ है राइट right साइड में तो ऑब्वियसली विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर अगर मैं बात करूं तो इमेज राइट साइड में है और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है ठीक है तो पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर आई एम अगर मैं लिखने जाऊंगा हमने रिलेटिव मोशन अगर पहले पढ़ा है तो हमें पता है कि आई एम का मतलब क्या है पोजीशन ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू द मिरर ठीक है वो मैं क्या लिख सकता हूं उस डायरेक्शन में है ठीक है सपोज करो वो डिस्टेंसेज दोनों किसके बराबर है एक्स डिस्टेंस के बराबर है तो प्लस में लिख दिया मैंने एक्स ठीक कैसे लिखेंगे ये अच्छा और वैसे ही अगर मैं ऑब्जेक्ट का विथ रेस्पेक्ट टू मिरर लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा माइनस एक्स क्योंकि वो इस साइड में है ठीक है तो अगर इनके बीच में रिलेशन चाहिए तो वी कैन क्लियरली से कि एक्स ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर ठीक है एक्स आई एम को अगर मैं एक्सपैंड करके लिखू तो मैं क्या लिख सकता हूं एक्स ऑफ आई माइनस एक्स ऑफ एम माइनस अच्छा इज इक्वल टू लिख करके उधर क्या लिख सकते हैं माइनस में एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस एक्स ऑफ मिरर ठीक है ये एक्स ऑफ मिरर उधर भेज देते हैं बच्चों तो देखिए क्या मिल जाएगा एक्स आई इज इक्वल टू एक एक्सएम उधर गया है और ये वाला एक एक्सएम पॉजिटिव में पहले से है तो ये आता है टू एक्स एम माइनस एक्स ओ ठीक है ये वेक्टर फॉर्म में भी वैलिड है ओके? पोजीशन ऑफ आई ओके एक्चुअल पोजीशन ऑफ आई तो अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए होती है ये तो रिलेटिव पोजीशन हो गई विथ रिस्पेक्ट टू मिरर उनके बीच में एक रिलेशन आ गया ये एक्स आई क्या है यहां पे पोजीशन ऑफ इमेज हो गया एक्सो क्या है पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया और ये एक्सएम क्या है पोजिशन ऑफ मिरर हो गया ठीक है तो अगर इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं तो हमें एक वेलोसिटी की भी रिलेशन मिल सकती है अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वेलोसिटी ऑफ मिरर है तो आप बोल सकते हो कि इमेज कितनी तेज चलेगी उसके लिए क्या करता हूं मैं एक बार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं तो ऑन डिफरेंशिएशन हमें क्या मिलेगा वी ऑफ इमेज इज इक्वल टू टू टाइम्स वी ऑफ मिरर माइनस वी ऑफ ऑब्जेक्ट ये रिलेशन भी हमेशा वैलिड होती है ठीक है इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको जैसे बेटा सपोज करिए कि यहां पे एक मिरर है आपके पास ठीक है एंड दिस मिरर इज मूविंग विथ सपोज टू मीटर पर सेकेंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ओ ठीक है वो इधर की तरफ जा रहा है सपोज करो वन मीटर पर सेकेंड ठीक है तो वैसे तो इस इंस्टेंट पर अगर आप देखोगे तो इमेज कहीं यहां होगी बट उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी ठीक है ये हो गया अपना वेलोसिटी ऑफ इमेज जो कि हमें पता नहीं है लेटेस्ट सपोज की वी आई है किसकी इमेज की वेलोसिटी तो हमें रिलेशन अभी अभी देखा था वी आई इज इक्वल टू टू एम माइनस वी ऑफ ओ तो वी आई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा यहां पे बस टू टाइम्स करके वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ मिरर रख देते हैं क्योंकि ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है बेटा सो आई कैन राइट हियर एज टू मीटर पर सेकेंड ठीक है पॉजिटिव में ही लिख दिया माइनस अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लिखनी है क्योंकि ये प्लस एक्स डायरेक्शन में ये भी जा रहा है तो यहां पे मैं वन लिख देता हूं ठीक है तो फाइनली वी विल गेट फोर माइनस वन दट इज थ्री मीटर पर सेकेंड ओके तो बेटा ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी। इस केस में देखिए अगर ऑब्जेक्ट हमारा वन मीटर पर सेकेंड से जा रहा है मिरर टू मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ये थ्री मीटर पर सेकेंड से उधर जाता हुआ दिखाई देगा किसी एक्सटर्नल ऑब्जर्वर को अगर कोई ऑब्जर्वर ऐसे बैठा हुआ है यहां पे ऑब्जर्व कर रहा है तो वो मिरर को टू मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ देखेगा सेकंड से जाता देखेगा बट उसकी इमेज जो है फाइनली वो उसको थ्री मीटर पर सेकेंड हुई दिखाई देगी अच्छा यहीं पे अगर मान लीजिए कि मिरर हमारा रेस्ट पे आ जाता तो ये इक्वेशन एक्चुअली हर जगह वैलिड है अगर ये रेस्ट पे आ जाता तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देते जीरो तो हमें इमेज की वेलोसिटी माइनस वन मिल जाती मतलब ऑब्जेक्ट जा रहा है वन से इधर तो इमेज आएगी इधर वन से सपोज करो बेटा अगर ऑब्जेक्ट की रेस्ट पे होता तो ये जीरो कर देते हैं हम लोग यहाँ पे जीरो करने पे सिर्फ फोर मीटर पर सेकेंड आ जाती राइट right? तो बहुत ही सिंपल सा है अगर आपको ये वाली रिलेशन याद है बच्चे तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट एंड मिरर उनके कॉम्बिनेशन से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है आप इजिली उसको कर सकते हो हम वापस चलते हैं यहाँ पे ठीक है तो ये इक्वेशन बहुत ही आ, मतलब इंपॉर्टेंट है ट तो कर सकते हैं ए ऑफ इमेज इज इक्वल टू टू टाइम्स ए ऑफ मिररर माइनस ए ऑफ ऑब्जेक्ट और ये फिर से हमारे लिए एक्सिलरेशन की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ पर ठीक है इमेज के लिए तो अगर आपके पास कभी इमेज की वेलोसिटी हो मिरर की हो और ऑब्जेक्ट की मिसिंग हो देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस इक्वेशन कोई भी इनमें से दो दो में से तीन में से एक चीज अगर मिसिंग है यू कैन इजिली इट ओके चलो अब हम बात करते हैं भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज की तो वही बात हो गई एक और एग्जाम्पल मैं यहां पे ले लेता हूं देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड प्लेन मिरर इज स्टेशनरी

एम माइनस वी ऑफ ओ ठीक है अच्छा अपने से बोला गया है इन दिस इन दिस सिचुएशन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मूव्स मूव्स विद विद अ वेलोसिटी ऑफ यू ठीक है एंड मिरर इज एट रेस्ट मिरर स्टेशनरी है तो मिरर की वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं जीरो तो हमें पता चल गया कि वो सेम स्पीड से जाएगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो तो देख लिया आपने कि यहां पे अगर पे अगर मिरर रेस्ट है तो हमें क्या करना होगा इसी रिलेशन में मिरर की वेलोसिटी को हमें क्या रखना होता है जीरो रखना होता है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो भी गिवन है बेटा उसको क्या कर लो वहां पे पुट कर दो जैसे कि यहां पे लिखा है कि यार वेलोसिटी यू है अपने को दिख रहा है कि इट इज गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो बस यहाँ पे डायरेक्टली के फॉर्म में रख दिया तो हमें पता चला कि भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो क्या है उतनी ही है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट एंड डायरेक्शन क्लियर है यहां पे अच्छा एक और केस हो सकता है बेटा कि व्हेन प्लेन मिरर इज मूविंग एंड ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी सपोज करो यहाँ पे एक केस है अकेला मिरर ही मूव कर रहा है ठीक है और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है सपोज करो देर इज एन ऑब्जेक्ट ओ एंड इट इज रेस्ट और इसकी खुद की वेलोसिटी सपोज करो मैं कुछ यूएम UM बोल देता हूँ जो भी आपका मन हो तो इमेज तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली बिहाइंड द द मिरर एट सेम डिस्टेंस बनने वाली है ठीक है यहां बना दी मैंने इमेज ये आई चलो अब वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है मुझे नहीं पता कि ये कितनी स्पीड से जाएगा मैं इसको बोल देता हूँ वी आई तो डायरेक्टली वी कैन यूज दैट रिलेशन जो भी अभी हमने डिराइव करी थी बेटा वी आई इज इक्वल टू टू टाइम्स वी एम माइनस वी ओ तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसको तो डायरेक्टली हम क्या बना सकते हैं जीरो सो वी आई विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू एम ठीक है खत्म हो गया तो ये बड़ी अच्छी सी एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ठीक है मिरर अगर यू से चलेगा तो वो टू यू से चलेगा मतलब मिरर को जिस स्पीड से मूव करोगे इमेज उसकी डबल स्पीड से जाती है तो ये रिलेशन वैसे हम उसमें भी बात कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन दिस केस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर तो अगर मिरर को आपने सपोज करो दो मीटर से चलाया तो इमेज कितने से चली जाएगी चार मीटर से शिफ्ट हो जाएगी ठीक है अगर ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट किस पे हो रेस्ट पे हो ठीक है और वो भी सेम डायरेक्शन में ये बात ध्यान रखना है कि अगर मिरर को आप लेफ्ट में लाओगे तो इमेज भी आपको लेफ्ट में आती हुई दिखेगी डबल द स्पीड ऑफ मिरर ये बात ध्यान में रखनी है हमको ये इंपॉर्टेंट है ठीक है उसी रिलेशन से एक थर्ड केस और बन सकता है बेटा इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहां पे देखो अगर मिरर हमने अभी अभी बात की वही बात ये भी कह रहा है कि इफ द मिरर मूव्स विद वेलोसिटी विथि देन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट Moves with the velocity to you, double velocity से वो चलता है पहली बात एंड सेम डायरेक्शन एज ऑफ मिररर सेम डायरेक्शन एज ऑफ मिररर ये बात हो गई हमारी ठीक है तो इसको आप नोट कर सकते हो अब उसी रिलेशन पे एक और थर्ड केस ले लेते हैं वेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर मूविंग ठीक है तो उसके लिए केस लेते हैं बेटा यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूं डायरेक्टली अगर ये ऑब्जेक्ट की यू ले रखी है इसको मैं क्या कर देता हूं u of ऑफ ले लेता हूं ठीक है मेरा मान लो इसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें नहीं पता वो कितनी होगी लेफ्ट होगी या राइट right होगी वो सब पता चल जाएगा ठीक है डायरेक्टली लिख सकते हैं जो भी हमने डिराइव करी थी वही आएगी v i इज इक्वल टू टू ऑफ v m माइनस v o तो v m की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर टू टाइम्स ऑफ M um लिया है चलेगा माइनस ऑब्जेक्ट क्या ले रखी है सिर्फ यू ले रखी है तो वो भी आ जाएगा ठीक है तो ये आ जाएगा टू यू एम माइनस यू या जो भी डेटा दिया हुआ है आप लोग उसको डायरेक्टली विथ प्रॉपर डायरेक्शन अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको क्लियरली सब चीजें मिल जाएंगी किसी भी केस में आपको बस ये रिलेशन याद करनी है ये बहुत ही बेसिक रिलेशन हो गई बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट एंड द मिरर ये एक रिलेशन हो गई ठीक है डू नॉट फोगेट दिस किसी भी तरीके का केस हो अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए लेफ्ट डायरेक्शन में जाने लगता है तो हम इसको यहां पे माइनस यू रख देते टू टू टेल द इक्वेशन कि इट इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ठीक बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पे हम लोग ठीक है बहुत सिंपल सा है देखिए प्लेन मिरर अप्रोचेस अ स्टेशनरी पर्सन विथ समलेशन एक पर्सन है हमारे पास सपोज करो ठीक है ही स्टैंडिंग हियर इसको ऑब्जेक्ट ओ मान लेता हूं यह हमारे लिए क्या बन गया एक मिरर हो गया प्लेन मिरर है तो मैंने इसको भी खुद से ही ड्रॉ कर लिया ठीक तो पर्सन इज स्टेशनरी इट इज गिवन पर्सन तो कैसा है स्टेशनरी है मैं यहां पे लिख दिया रेस्ट रेस्ट पे लिखते ही पता चल गया कि भाई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ओ कितनी है जीरो और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी क्या मिल गया जीरो अच्छा मिरर इज कमिंग टुवर्ड्स द पर्सन विथ एक्सेलरेशन ए देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन हमें क्या दिया हुआ है बच्चे ए दिया हुआ है तो मैं क्या कर देता हूं यहां पे ए लिख देता हूं और वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में लिख देता हूं तो एक्सेलरेशन ऑफ इमेज एज सीन बाय द पर्सन विल बी तो जैसे रिलेशन होती है वेलोसिटी की वी एम का ट्वाइस माइनस वी ओ ये हमें क्या दे देता है वेलोसिटी ऑफ इमेज दे देता है राइट right? तो वैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगा भाई टू वी एम माइनस वी ओ आ जाएगा सब गड़बड़ लिख दिया ठीक है इसको मैं कट कर देता हूं एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ मिरर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वो पर्सन तो क्या है जीरो है बस खत्म टू टाइम्स मिरर क्योंकि इसके पास ही आ रहा है तो माइनस ए लिख देता हूं लेफ्ट में आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन लेने के लिए तो ये कितने से आता हुआ दिखाई देगा आपको टू ए से ठीक है इमेज कितने एक्सेलेशन से हमें आता हुआ दिखेगा वी विल ऑब्जर्व दैट द इमेज ऑफ द पर्सन इमेज होगी कहां पे यहां पे होगी करेक्ट और ये कितने एक्सेलेशन से आते हुए दिखाई देगी हमको अगर मिरर ए से आ रहा है तो इमेज ऑफ द पर्सन विल अपियर टू बी कमिंग टूवर्ड्स द पर्सन विथ टू एक्सेलरेशन इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है सेम रिलेशन है इसी को बार बार करके अगर अच्छे से अप्लाई करें हम विथ प्रॉपर डेटा तो हमें यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा